और जब मूवी लॉन्च हो तब उसका सस्पेंस आप देखिएगा। कुछ लीग से हट के मूवी है जैसा भी बता रही है, स्पोर्ट्स को लेके है। जी हाँ जी, स्पोर्ट्स को मूवी लेके है, तो उस टाइप से क्या तैयारियां कर रही हैं आप? मोटिवेटिव मूवी है ये कि लाइक स्पोर्ट्स, हम स्पोर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस कभी नहीं देते। लाइक हर किसी को मॉडल बनना है, हीरोइन बनना है या फिर डांसर बनना है, लेकिन कोई अभी के जनरेशन में ये नहीं चाह रहा कि मुझे स्पोर्ट्स मैन बनना है। सो उसके लिए ये मोटिवेशन मूवी है कि स्पोर्ट्स के लिए भी आपको बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो किस टाइप से आप तैयारी कर रहे हैं इस मूवी को लेके, कुछ अलग प्रेजेंट करने के लिए स्पोर्ट्स को स्क्रीन पे? लाइक स्पोर्ट्समैन की लाइफ स्टडी कर रहे हैं हम लोग, उनका उठना बैठना खाना, रेसिंग पे है तो एज यूजुअल दौड़ना, उनकी लाइफ हम लोग हमारे लाइफ में मिक्स अप कर रहे हैं, उनसे मोटिवेशन ले रहे हैं कि किस तरह से हमको उनको एक्ट करना है। इसकी शूट अभी शुरू हो गई, कहाँ कहाँ है? क्योंकि नए बैनर में कोई रिस्क नहीं रहता, लव स्टोरी बनती है, एक्शन बनती है, थ्रिलर बनती है। मैंने एक मोटिवेशन सब्जेक्ट लिया है एक लड़की के ऊपर कि अगर औरतें जो हम अहमियत देते हैं कि आज के लाइफ में लड़कियों को बचाना चाहिए, रेप चाहिए, वो लड़की अपने आप को प्रॉब्लम खुद फेस कर सके, तो लड़की चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है अगर उसका मोटिवेशन देने वाले हो। और इसमें भी यही हमारी फिल्म का सब्जेक्ट की एक आउटलाइन आपको बता देता हूँ, जो आपने हमारे आर्टिस्ट से पूछा था उसने नहीं बताया। इस लाइन में ये बताया है कि एक गरीब घर की लड़की जिसका सपना होता है और वो सपना कैसे साकार होता है और कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें और वो कैसे फेस करती है, टूट भी जाती है, छोड़ भी देती है, लेकिन उसके जो ट्रेनर्स होते हैं, जो उसके पीटी सर्स होते हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो उसके उसे मोटिवेट करते हैं और वो मोटिवेट के साथ वो अपना स्ट्रगल फिर शुरू करती है और वो एक हाई लेवल तक, ओलंपिक तक जाने तक वो पहुंच जाती है। एक ग्लैमरस मूवी और एक स्पोर्ट्स मूवी बनाने में कितना डिफिकल्ट होता है, कितना अलग होता है? हाँ, एज ए डायरेक्टर मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा, लव मूवीज बनाने के लिए इतना प्रॉब्लम्स नहीं आता है क्योंकि गाने गाना है, रोमांटिक सीन्स देने हैं, अगर बोल्ड है तो बोल्ड सीन देने हैं। बट इस टाइप की फिल्म बनाने के लिए हमको पूरा रिसर्च करना पड़ता है, एज ए डायरेक्टर भी रिसर्च करना पड़ता है, आर्टिस्टों के साथ वर्कशॉप करना पड़ता है और उसके बाद हमको ये जाना पड़ता है। कितनी तैयारी? हाँ, चुनने के लिए तो ये हो गया कि जब हम लोग फिल्म के बारे में मैंने सोचा, मेरे लाइन प्रोड्यूसर रचना मैडम जी के साथ हमारी डिस्कस हुई और एक नई लड़की प्रोड्यूस करना चाहता था। मैंने बॉम्बे में भी टैलेंट हंट किया, देखा मैंने, लेकिन बॉम्बे की लड़कियों में वही जो आपने सर ने अभी सवाल किया कि रोमांटिक बेस ज़्यादा लुक मिल जाता, और मुझे वो लड़की चाहिए थी जिसमें रोमांटिक लुक कम हो और स्पोर्ट्स पर्सनलिटी लुक ज़्यादा हो। और फिर उसी हिसाब से शी इज़ ए वेरी गुड भरत नाट्यम डांसर्स है, डिग्री ली हुई है और उसका जो स्टेमिना है, रनिंग करना है और वो सारा सब कुछ, मैंने उनका टेस्ट लिया, उसके ऑडिशंस किया, उसके बाद मैंने उनको सेलेक्ट किया और अभी मैं उनको लॉन्च किया। कब तक आप ये मूवी ला रहे हैं फ्लोट? बस मूवी तो हमारा प्लान एक्चुअली ये 14 को हम लोग आसाम में होते हैं, अभी शूट चालू होता, लेकिन 14 करनी थी इसलिए आज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिगनिंग में नहीं होती है, आज मेरा बर्थडे भी है और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आज मुहूर्त कर रहे हैं, इसके बाद थोड़ा श्राद्ध चालू होता है। तो अक्टूबर 2nd वीक से वी आर ऑन फ्लो एट गुवाहाटी, दार्जिलिंग और आसाम, 3 जगह शूट करेंगे और बाकी का पोर्शन है वो हम गुजरात दीव में कर रहे हैं। कोई गाने वाले? हाँ, 4 सॉन्ग है, 1 मोटिवेशन सॉन्ग है, 3 रोमांटिक। नहीं मतलब उसमें हमने बताया, मैंने आपको बताया कि हमारे जैसे एक होता है ना फिल्म हम बनाते हैं तो एक हीरो होता है तो एक विलन भी होता है, तो नेचुरली ये अगर अच्छी रनर है तो इसको गिराने के लिए और एक रनर भी होगी जो नेगेटिव कैरेक्टर कर रही है, रश्मि जी जो अभी ऑन द वे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो उसका जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव उसे उस जाल में फंसाती है और वहाँ से फिर वो टूट जाती है, अपना माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है, उसका टाइमिंग कम हो जाता है और फिर बाद में उसके जो सर है जिसमें हमने डैनी जी को सोचा है, बात भी हो चुकी है हमारी, तो वो जो है वो इसको मोटिवेट करते हैं और फिर से उसको उस ट्रैक पे लेकर आते हैं, ट्रेन करते हैं एंड देन वो फिर से अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ती है और वो नाम अपना देश का नाम बनती है। नहीं देखिए, चलना नहीं चलना ये लक की बात है क्योंकि ऑडियंस पे होता है, अमिताभ बच्चन जी की भी फिल्म में फ्लॉप हुई है, अभी ऋतिक जी की भी फिल्म फ्लॉप हुई है, तो ये लक की बात है, हम अपना अच्छा अचीवमेंट, अच्छा बेस्ट, टेक्निकली बेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट, आर्टिस्ट वाइज बेस्ट, हम अपना अपना हर चीज़ बेस्ट करके प्रेजेंस करना चाहते हैं मीडिया के सामने, ऑडियंस के सामने, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में,
अब सेलेक्ट करना अच्छा चलना नहीं चलना वो तो लक ऊपर वाले के साथ में, अगर ऐसे ही प्रॉफिट लॉस सोचेंगे तो फिर तो हर आदमी एक ही फिल्म बनाएगा रोमांटिक या बोल्ड, तो मैं उससे थोड़ा हटके कर रहा था। नहीं मतलब हाँ न्यू कमर है, बोल्ड सीन्स भी है, जो हीरो है तो नेचुरल है कुछ रोमांटिक सीन्स तो डालने ही पड़ेंगे क्योंकि फिल्म बेचनी है, फिल्म आज ग्लैमर पोस्टर्स भी चाहिए ऐसे मीडिया आपको पता है, तो वो सारी चीज़ें भी है, लेकिन हम इतना ओवर भी नहीं जा रहे क्योंकि एक लड़की ही मोटिवेट कर रही है जो हमारे समाज की जितनी लड़कियाँ उन लोगों। सर ये कांची नाम के पीछे क्या है? नॉट कांची, आई क्लियर दैट थिंग, ये कांची नहीं है, कांची सी छ छ छतरी का जो कांची। तो ये एक मेरा रिक्वेस्ट है कि कांची होना चाहिए। कांची नाम के पीछे क्या? नाम के पीछे का एक बहुत बड़ा राज है कि ये जो हमने सब्जेक्ट लिया है, हमारे यहाँ पर मतलब गुजराती फैमिली की फैमिली बताते हैं हीरो हीरोइन की, महाराष्ट्र बताते हैं, बंगाली बताते हैं, हमने एक असम की दार्जिलिंग की नेपाल फैमिली की लड़की बताई है, तो वहाँ पर मतलब कि जब वो जीत कर आते हैं तो उसको छोटी बहन बोलते हैं कांची, तो वो कांची हमने ये वर्ड लेके ये टाइटल। हम लोग अभी वन शेड्यूल मतलब हमारा दो शेड्यूल में कंप्लीट करेंगे, अक्टूबर सेकंड वीक में हम जा रहे हैं, 25 दिन का टोटल आउटडोर है, 25 दिन वहाँ खत्म करके आएंगे, उसके बाद हम सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और 10 दिन का इसी हमारा गैप है, 10 दिन के बाद हम सीधा दीव जाएंगे और वहाँ 12 दिन का काम है वो कम्प्लीट करके लौट जाएंगे। डेट हम मतलब 15 के आसपास की सोच रिलीजिंग तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर फेब के आसपास क्योंकि बहुत थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है, क्विकली नहीं करना है इसलिए क्योंकि नए आर्टिस्ट है, सपोर्टिंग टोटल हम मार्केट के लिए रहे, एक छोटा रोल होगा पर डे आर्टिस्ट लाएंगे बट फेस शुड बी नोन। असम का नेचुरल ब्यूटी और उसके साथ साथ में थोड़ा बहुत ग्लैमर भी होगा और बहुत कलरफुल होगा। सर इस तरह की फिल्म को शूट करने के लिए आप क्या डिस्क्रिप्शन करते हैं, क्या तैयारी करते हैं? पहले स्टोरी डिस्कशन करते हैं डायरेक्टर के साथ में और उसके मूड के हिसाब से फिर अपना पैटर्न कलर टोन वगैरह सोचते हैं और उसी को फॉलो करते जाते हैं क्योंकि कैमरा मैन ही है जो पूरी कहानी को पूरे एक्टर को जान डालते हैं, आप नहीं तो कुछ नहीं, तो आप कुछ सोच कहाँ इस तरह से यहाँ लेंगे यहाँ से यहाँ से देंगे या फिर आपने देखी कि डायरेक्टर और कैमरा मैन का तो रिलेशन ऐसे होता है कि आपस में हर चीज़ को डिस्कशन करके करना पड़ता है और जो हमारा बहुत पुराना पहचान है, कम से कम 25 साल पहले का पहचान है और हम लोग आपस में हर चीज़ को डिस्कशन करके करेंगे और हमारा दिमाग में जो भी नया सजेशंस आता है उसको डायरेक्टर को देंगे और उनसे कुछ इनपुट्स मिलता है तो उसको भी ले लेंगे। थैंक यू। साथ में काफ़ी 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ। किस टाइप का इसमें आप दे रहे हैं नया लुक? पूरा फिल्म जिस अभी गाने जैसे सुनूंगा तो उसके हिसाब से मैं वर्क करूंगा उसमें और डायरेक्टर कैमरामैन सब में डिस्कस करके फिर हम सब लोग वर्क करेंगे। अच्छी लगी, इन्होंने स्टोरी बताया मुझे, बोला चलो चलेगी तो उनके साथ में मैं जुड़ा। स्पोर्ट्स की फिल्म है क्या होगा? नहीं वो अच्छी होगी मुझे ये पता है कि अच्छी फिल्म होगी, इसके लिए मैंने उनके साथ देना चालू किया। लेकिन न्यू कमर सारे न्यू कमर है फिल्म में, आप सोच रहे हैं कि कुछ अच्छी? नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं, पहले भी सोच रहे हैं, एक नाटक बनाया था हमने गुजरात में, वो न्यू लोगों को लेके बनाया था तो अच्छी चली, तो ये भी चलेगा।